सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज की वीडियो में बात करने वाले रियल मी जी टी मास्टर एडिशन के फ़ोन में अपने डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। कहीं पे भी अपने पूरे मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर कहीं पे भी आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। पहले गाइस आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने फ़ोन में जो पैटर्न लॉक रखे हो या पासवर्ड रखे हो या स्क्रीन लॉक कुछ भी मतलब लॉक इस पर रखे हो आपको सब पूरा हटा लेना है। कोई भी पासवर्ड यहाँ पर नहीं मांगता, इसके बाद ही आप मेरे डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगेगा। गाइस इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जाएँगे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जाएँगे हम प्ले स्टोर पर। आपको हम पहले क्लियर बता देते हैं, कोई भी पासवर्ड नहीं मांगता है। यहाँ प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे सर्च करने के बाद देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे सर्च करोगे आपको तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। इस ऐप को जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ से ओपन करने का, यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो गया। यहाँ अलाउ को मांगने के रहता है, अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अलाउ मांगता है क्लिक कीजिए। यहाँ ऊपर देखिए इस वाले ऑप्शन पे गाइस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। सेटिंग का ऑप्शन दिखा दिया, यहाँ वाल पेपर का दिखा दिया, वाल पेपर पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर जो भी परमिशन मांगता है आपसे उस परमिशन को दे देना है। यहाँ से किसी भी एक वाल पेपर पर अपने पसंद कर लो, जिसमें मतलब जो भी रखना चाहते हैं। मैं एक वाल पेपर के यहाँ से चूज कर लेता हूँ गाइस। इसके चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ से कोई भी एक स्थान चुन लो जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। यहाँ से हम इस वाले स्थान पे फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं। यहाँ पे हम अपना बनाने या दो अंक का पासवर्ड बना सकते हैं या चार अंक का भी पासवर्ड बना सकते हैं। हम आपको चार अंक का पासवर्ड बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थान पर आपको चार अंक का एक बार फिर कन्फर्म करने के लिए एक बार और आपको चार अंक का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपना कोई भी एक नंबर मतलब सेलेक्ट कर लेना, वो याद रहेगा। इसे यहाँ पे देख सकते हैं दो बार सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी यहाँ पे अपने में चूज कर लेना। यहाँ पर साइड पर आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। यार डिस्प्ले कुछ भी आप लिख सकते हैं। अपन डिस्प्ले लिख दिए, डिस्प्ले लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर को अपने फ़ोन में मतलब चूज करना रहता है। यहाँ पर कोई भी एक वॉलपेपर अपने में चूज कर लो। यहाँ से हम एक वॉलपेपर को चूज करके आपको हम दिखा देते हैं। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आ जाना है आपको बैक, यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है। इसके बाद आपको फ़ोन करना है लॉक। लॉक करने के बाद आपको ओपन करने के, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना फ़ोटो लगा दें। इसके लिए हमारी फ़ोटो आ रहा है। इसके बाद हम आपको नीचे से स्लाइड करके आपको दिखा देंगे। नीचे स्लाइड करने के बाद देख सकते हैं जो भी हम जहाँ स्थान पे चार बार टेक किए तो उसी स्थान पे टेक करोगे तो ही ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। देख सकते हैं हम दूसरी जगह टेक कर रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, देख लीजिए। अब दूसरी जगह हम टेक करेंगे तो नहीं खुलेगा। जो उनसे स्थान पर हम फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं उसी स्थान पर आपको दो चार बार दो बार चेक करना ही पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो पसंद लगे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।